हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 4। इसके पहले मैंने आपको 1, 2, 3 सेट सॉल्व करके बताए हुए हैं। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको इसमें सही विकल्प बताना है। पहला दिया हुआ है एन स्क्वायर माइनस 1/8 से विभाज्य होगा यदि एन है। इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, ए है एक पूर्णांक, बी है एक प्राकृत संख्या, सी है एक विषम पूर्णांक और डी में आपको दिया है एक सम पूर्णांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर का, एक विषम पूर्णांक। सेकंड प्रश्न दिया है, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अधिकतम कितनी रेखाएं हो सकती है, 1, 2, 0, अपरिमित रूप से अनेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर का, अपरिमित रूप से अनेक। थर्ड है, किसी एपी में यदि डी इज इक्वल टू -4, एन इज इक्वल टू 7 एवं ए एन इज इक्वल टू 4, तो ए है क्या होगा, ए 6, 7, 20, 28। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का डी 28। फोर में दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के विविध कर का मान 0 हो तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं या दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। सी में दिया है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर का, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अगला है, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समपाती है, समांतर है, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर का, प्रतिच्छेद करती है। अगला है, माइनस 2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होंगी 1, 2, 3, 3 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से अधिक। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। पहला पूछा गया है, एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या खालिस्तान होती है। तो एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 होती है। सेकेंड है, आर त्रिज्या वाले वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान होता है। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। थर्ड है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग खालिस्थान है। तो कितना है, यहाँ जाएगा 1, 1। फोर में है, सभी व्रत खालिस्थान होते हैं। तो सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, यहाँ आपको समरूप फिल करना है। अगला है, संख्याओं की संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड खालिस्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वह लघुत्तम समापवर्तक। अगला है, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 को खालिस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वर्ग समीकरण, यहाँ आपको वर्ग समीकरण भरना है। अगला है, चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात खालिस्थान की घात कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वह बहुपद, यहाँ आपका बहुपद आ जाएगा। आगे देखते हैं, थर्ड में आपको सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी मिलाना है। पहला दिया हुआ है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, 1/2। सेकंड पूछा गया है, 1 + tan²θ, तो इसका हो जाएगा sec²θ। थर्ड में है, कॉस 90 - θ, तो इसका आ जाएगा sin θ। फोर में है, sec θ, तो sec θ का हो जाएगा 1/cos θ। फाइव में पूछा गया है, cosec 90 - θ, तो इसका हो जाएगा डी नंबर का, sec θ। और लास्ट में पूछा गया है, √sec²θ - tan²θ, तो इसका आ जाएगा 1। फोर नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसका पहला है, निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। आपको पता होना चाहिए निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1, यहाँ आपका 1 आ जाएगा आंसर। सेकंड है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए।
तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र हो जाएगा जेड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन जेड एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। थर्ड देखते हैं, दो संख्याओं ए और एवं बी के एल सी एम ए बी एवं एच सी एफ ए बी क्रमशः एक्स एवं वाई है, ए बी एक्स और वाई में क्या संबंध होगा? तो क्या संबंध होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। फोर नंबर का देखते हैं, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो क्या होगा, सी अपॉन ए इसका मान हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का देखते हैं, एक्स वन वाई वन एवं एक्स टू वाई टू को मिलाने वाली रेखा को एम अनुपात एन के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये हो जाएगा आपका, ये आंसर दिया हुआ है। अगला है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो? तो वह क्या कहलाता है, असंगत, यहाँ असंगत आ जाएगा आपका। अगला देखते हैं, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, गोला कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिफ्थ नंबर के प्रश्न में आपको सत्य असत्य बताना है। तो पहला प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचय बारंबारता उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सर्वांगक्षम व्रतों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, यह भी सत्य है, सदैव बराबर होते हैं सर्वांगक्षम व्रतों के क्षेत्रफल। थर्ड है, 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, तो यह सत्य है। अगला देखते हैं, बिंदु P XY की मूल बिंदु से दूरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, तो यह आपका हो जाएगा सत्य। अगला देखते हैं, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, तो यह असत्य हो जाएगा। और लास्ट का है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखाएं असमान होती है, तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि किसी वृत्त से बाह्य बिंदु पर खींची गई रेखा हमेशा समान होती है। सिक्स में आपको दो नंबर का प्रश्न पूछा गया है, दर्शाइए कि किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, तो इसे आपको करना है। आगे आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है दो नंबर का, ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है, और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मैंने दिए हुए हैं आपको, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।